हे गाइस, दिस इज पल्लवी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है और मैं रिव्यू करने वाली हूँ गुड वाइब्स के दो सीरम के बारे में। एक है आपका विटामिन सी जो कि ब्राइटनिंग फेस सीरम है और दूसरा है आपका रोज हिप जो कि आपका रेडियंट ग्लो फेस सीरम है। इन दोनों का ही पैकेजिंग क्या है और इसका इफेक्ट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने देखा होगा कि गुड वाइब्स ही नहीं, बहुत सारे ब्रांड में आजकल सीरम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही तेज़ी से लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। सबका मेथड अलग अलग है सीरम को यूज़ करने का, लेकिन सीरम सच में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फेस पे। सीरम क्या करता है कि आपके फेस पे एक प्रोटेक्टिव शीट कवर कर देता है और धीरे धीरे आपके फेस को जितने भी डैमेजेस हुए होते हैं उनसे रिपेयर करता है। तो फेस सीरम सच में इफ़ेक्टिव है और आज जो हम बात करने वाले हैं इन दो फेस सीरम के बारे में, इन दोनों का क्या क्या वर्क है, किस तरीके की प्रॉब्लम में कौन सा फेस सीरम आपको यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गुड वाइब्स के विटामिन सी का। विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस सीरम, ये जो फेस सीरम है ये फुल ऑफ विटामिन सी है। इसमें नेट वॉल्यूम इसका 10 ml है। दूसरा, नो पैराबेंस, नो एनिमल टेस्टिंग, ऑलरेडी इस पर मेंशन है। गुड वाइब्स के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके अगर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये डार्क स्पॉट को ख़त्म करता है, स्किन को ग्लोइंग बताता है और साथ ही साथ फाइन लाइंस को यानी कि एजिंग की समस्याओं को भी दूर करता है। फ्री रेडिकल्स के साथ फाइट करता है जिसकी वजह से आपके स्किन पे जितने भी डैमेजेस हो जाते हैं उन सबको दूर कर देगा। इसको यूज़ कैसे करना है, ये लिक्विड फॉर्म में है, एकदम ऑयली लिक्विड फॉर्म में है। इसको आफ्टर क्लिनजिंग अप्लाई 2 or 3 ड्रॉप ऑफ द फेस सीरम ऑल ओवर द फेस, जेंटली मसाज ऑन टू द स्किन विद योर फिंगर टिप्स एंटिल इट इज़ फुल्ली एब्जॉर्ब्ड। सिंपली 2 से 3 बूंद ही बहुत ज़्यादा है आपको फेस क्लीन करने के बाद 2 से 3 बूंद तक लेना है और फिंगर टिप से एकदम लाइटली फिंगर टिप से आपको पूरे फेस पे उसको मसाज करना है। तब तक करना है 1 या 2 या 3 मिनट जब तक कि ये अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर ले, स्किन उसको एब्जॉर्ब ना कर ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपने आई एरिया से बचा के रखना है क्योंकि हो सकता है कि ये आपके आई एरिया पर जाए तो उसको इरिटेट करे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेचुरल इन्ग्रीडियंट से मिलकर बना हुआ है। समटाइम हो सकता है कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो जाए या इरिटेशन की प्रॉब्लम हो, तो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो पहले इसको कहीं और यूज़ करके हाथ पे अपने या कहीं और स्किन पे फेस के अलावा यूज़ करके टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी तरीके का इरिटेशन नहीं हो रहा है तब इसको फेस पे अप्लाई कीजिए, अदरवाइज मत अप्लाई कीजिए। इन केस टेस्ट करने के बाद भी अगर आपको फेस पे कोई भी एलर्जी या इरिटेशन होता है तो सिंपली आप ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर दीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत सारे इफ़ेक्टिव चीज़ें से मिलके बना हुआ है। स्पेशली जो इंग्रेडिएंट्स इसमें है वो ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट है, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, लैक्टिक एसिड है, ग्लिसरीन है, हर तरीके की ऐसे लिक्विड एक्सट्रैक्ट को मिलाया गया है जो आपके फेस को रिपेयर करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। विटामिन सी का स्पेशली यूज़ वो लोग करें जिनको डार्क स्पॉट्स की बहुत प्रॉब्लम है, अनइवन टोन की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर वो ड्राई स्किन है तब तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसकी पैकेजिंग ओपन करके देखते हैं कैसी है। ये इस तरीके के बॉटल में आपको मिलेगी और इसकी हेल्प से आप पंपिंग करके 1 or 2 or 3 ड्रॉप जितने भी आपको ज़रूरत है उतना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉपर क्लोज ऐसे आएगा आपको, बिल्कुल सील पैक है। यहाँ पे इसको रिमूव करना होगा तब ये आपके साथ आप इसको लगा सकते हैं। ये हमने रिमूव कर दिया, अब आप इसको इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं, दिस वन। सेकंड, अब आपको अगर यूज़ करना है हम अपने सिंपली ऐसे आपको लेना है, 1 ड्रॉप ही बहुत है हाथ पे यूज़ करने के लिए। ये एकदम सीरम, ट्रांसपेरेंट सीरम है। ओफो, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत अच्छी है। मतलब बहुत रिफ्रेशिंग सी स्मेल है इसकी। जैसे हम लोग हेयर सीरम वगैरह यूज़ करते हैं,
उसी तरीके का इसका टेक्सचर है, थोड़ा थोड़ा सा ऑयलीनेस है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर तक इसको हाथ पे मसाज कर लेंगे तो ये स्किन एब्जॉर्ब कर लेगा इसको। काफ़ी अच्छा सा है, बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर बना दे रहा है स्किन का, फेस का भी सॉफ्ट टेक्सचर बना देगा और धीरे धीरे क्या करेगा, जितने भी डैमेजेस स्किन पे होंगे उन सबको रिमूव करेंगे। काफ़ी अच्छा है ये, और इसको आप यूज़ कीजिए अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो। स्ट्रॉन्ग स्मेल इसकी, लेकिन बहुत ही अच्छी है। देखिए पूरा एक ड्रॉप लिया था, एक सिंगल ड्रॉप लिया था, लेकिन स्किन ने पूरी तरीके से अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कर लिया है। 2 से 3 ड्रॉप फेस के लिए सफिशियंट है। अब बात करते हैं गुड वाइब्स के रोज़ हिप सीरम का। रोज़ हिप सीरम में बेसिकली ये रेडियंट ग्लो फेस सीरम है, इसका भी नेट वॉल्यूम 10 ml ही है। इसको देखते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो बेनिफिट है वो विटामिन सी के सीरम से अलग है। इसको आप यूज़ कीजिए अगर आप स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाना चाहते हैं, स्मूथनेस बढ़ाना चाहते हैं। समटाइम आप देखते होंगे कि एजिंग की वजह से स्किन बहुत ड्राई होने की वजह से उसकी स्मूथनेस ही चली जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो आप इसमें इसकी हेल्प से वो वापस से कंटेन कर सकते हैं, वापस से ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर अनइवन स्किन टोन है तो उसको इवन करने के लिए और आपकी कॉम्प्लेक्शन को और अच्छा बनाने के लिए, उसमें और ब्राइटनिंग और ग्लोइंग लाने के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, अगर अप्लाई करने की बात करें तो जैसे आप विटामिन सी अप्लाई कर रहे हैं 2-3 बूंद, वैसे ही इसको भी अप्लाई करना है। इसमें जो चीज़ें आपको उस वाले सीरम में ध्यान देनी है, सब कुछ भी इसमें ध्यान करना है। अगर इन्ग्रीडियंट्स की बात करते हैं तो इसमें रोज़ हिप ऑयल है, इसके अलावा आलमंड ऑयल है, विटामिन ई है, उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो सेसेमन ऑयल है, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑयल है जिसकी वजह से फेस की इलास्टिसिटी और साथ ही साथ स्मूथनेस वापस आ जाता है, यानी कि एजिंग की प्रॉब्लम को दूर कर देता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अब इसकी पैकेजिंग सिंपल, हर सीरम की गुड वाइब्स की पैकेजिंग कॉमन है, जैसे जनरल ये पैकेजिंग है वैसे ही है। इसको भी आपको रिमूव करना होगा और रिमूव करने के बाद इसमें से आप इसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी निकालने की, ठीक है। ये आप इसको लगा सकते हैं और हम 1 ड्रॉप इसको यहाँ पे लेंगे क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी विटामिन सी लगाया था, तो दोनों की स्मेल मिक्स हो जाएगी। ये यहाँ पे लगाते हैं 1 ड्रॉप। आहा, जो देसी रोज़ होते हैं एकदम प्रॉपर देसी गुलाब, उसी की स्मेल है ये। ऐसा लग रहा है जैसे कि ओरिजिनल रोज़ को पीस के उससे उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है, बिल्कुल ही वैसा ही इसकी स्मेल है। और जैसे विटामिन सी था, थोड़ा सा ऑयली, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, थोड़े से ऑयली, बिल्कुल वैसा ही है ये। टेक्सचर में कोई फ़र्क नहीं है, बस अलग इंग्रेडिएंट से मिलके बना है और अलग तरीके के फेस और प्रॉब्लम्स के लिए बना हुआ है। थोड़ी देर रब करने के बाद, थोड़े देर के बाद ये स्किन में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जा रहा है और बहुत अच्छा टेक्सचर और स्मूथ है। दोनों ही फेस सीरम अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसकी स्मेल बिल्कुल रोज़ की तरह है और मतलब आपको पूरा देसी रोज़ की फील आएगी और काफ़ी अच्छा स्मेल है इसका। दोनों के स्मेल बहुत अच्छे हैं, तो आपके प्रॉब्लम जिस तरीके का है उस तरीके का फेस सीरम आप यूज़ कर सकते हैं। हर फेस सीरम एक अलग तरीके के स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए है, तो जैसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अपने स्किन पे या जैसे रिकवरी आप अपने फेस पे चाहते हैं जिस तरीके की, उस तरीके के सीरम और प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। दोनों ही सीरम अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। इनका प्राइस, हाँ, रोज़ सीरम की अगर हम बात करते हैं तो ये विटामिन सी के कंपेयर में थोड़ा सस्ता था। इसकी MRP 215 रुपये है जबकि विटामिन सी 275 रुपये का था, लेकिन दोनों पे ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नए प्रोडक्ट, नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।